यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बंगाल से साइकिल चलाकर अयोध्या जा रहे राम भक्तों का आजमगढ़ हुआ स्वागत। शनिवार को छतवारा में श्री रामर्थ का छतवारा बाजार में आगमन हुआ, जिसके बाद शोभा यात्रा ने पूरे नगर का भ्रमण किया। यात्रा महिलाओं बच्चों समेत अन्य नगरवासी उत्साह पूर्वक जय श्री राम के नारों के साथ सम्मिलित हुए। 22 जनवरी को प्रस्तावित अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए अक्षत वितरण कर सनातनी समाज को आमंत्रण दिया गया। शोभायात्रा के दौरान बंगाल से साइकिल चलाकर अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे सुदीप, राज और नितेश का स्वागत आरएसएस के विभाग प्रचारक सत्येंद्र ने माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया और शुभकामनाएं दी। शोभायात्रा का समापन छतवारा हनुमान मंदिर पर आरती और हनुमान चालीसा के साथ किया गया। शोभायात्रा के समापन पर विभाग प्रचारक सत्येंद्र ने बताया कि श्री राम मंदिर का ये रथ जनपद के गांव-गांव में जा रहा है, जहां हिंदू समाज हर्षित होकर रथ का पूजन अर्चन कर रहा है। जनता में राम जी की पुनर्प्रतिष्ठा को लेकर गजब का उत्साह देख रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली पीढ़ी से हैं, जिन्हें यह अवसर देखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस अवसर पर पुजारी मुक्तिनाथ दास एवं बजरंग दल के प्रांत सह संयोजक गौरव रघुवंशी, जिला संयोजक बजरंग दल शशांक तिवारी, राजन गुप्ता, अभिषेक गुप्ता, संजय सिंह, सुगंध सिंह, विपिन गुप्ता, मृत्युंजय बरनवाल, योगेश सिंह, मनोहर मिश्रा, विपिन गुप्ता, लौटन गुप्ता, रीता देवी, प्रीति साहू, प्रियंका साहू, सुमन गुप्ता, उमेश गुप्ता, अजीत गुप्ता, विभूति, प्रीतम गुप्ता, संदीप गुप्ता, संतोष गुप्ता, अतुल गुप्ता, विकास साहू, आकाश साहू, हिमांशु साहू, सनी गुप्ता, विपिन यादव, अजीत मधेशिया, रोशन मधेशिया, आकाश गुप्ता, अंकित मधेशिया, प्रियांशु पाठक, अंश पाठक, सारंग पाठक इत्यादि उपस्थित रहे। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट।